नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा सत्र के बारे में। जैसे कि राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है, इसी के साथ कांग्रेस द्वारा विश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के तहत सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता और मंत्री सदन पहुंचे। वहीं भाजपा की ओर से यह सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। प्रदेश में लगभग 32 दिनों तक चली आ रही कांग्रेस की आंतरिक कलह और विपक्षी दल भाजपा के हमलावर होने से सत्र के हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विधायकों की खरीद फरोख, फोन टैपिंग और घेराबंदी जैसी बातों को मुद्दा उठाया जा सकता है। भाजपा विधायक दल की गुरुवार को आयोजित बैठक को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान यह तय किया गया कि पार्टी सरकार के विरुद्ध शुक्रवार को ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और प्रस्ताव के तहत आवश्यक 40 विधायकों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। वहीं भाजपा सशक्त विपक्ष दल के नाते सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भाजपा के 72 और सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को मिलाकर यह संख्या 75 हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि संख्या बल भाजपा के पास नहीं है। प्रस्ताव लेकर आने पर भाजपा की ओर से कहा गया है कि जो भी सरकार के विरुद्ध होगा वे हमारे साथ जुड़ जाएगा। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास पर गुरुवार की शाम को हुई विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा था कि अब तक की जो हुआ उसे भुला दिया जाएगा, हम 19 विधायकों के बिना ही बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन इसमें खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। बैठक में सचिन पायलट ने विधायकों और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार प्रकट किया। उन्होंने गहलोत को भी धन्यवाद दिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी कम करने के लिए सोनिया गांधी के आदेश को लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा बैठक से पहले दोनों नेताओं से अलग अलग बात की गई, फिर एक साथ चर्चा की गई। अब बागी विधायकों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के तीखे तेवर नर्म नजर आ रहे हैं। पार्टी के महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। इन दोनों विधायकों पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। वहीं भाजपा नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का कहना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से फिलहाल तक विधानसभा की अस्थायी कार्यसूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में लगता है कि सरकार केवल बहुमत साबित कर सत्र खत्म कर देगी, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और विधानसभा सत्र में सरकार की विफलताओं को दर्ज करवाएंगे। हमारे साथ बने रहने और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम। धन्यवाद।